प्रेम की तो कोई भाषा नहीं होती है जो प्रेम के बारे में कुछ कहा जाए। हमारी माँ हमसे जब प्यार करती है तो वो क्या कह सकती है कि उसका प्यार कैसा है। ऐसे ही परमेश्वर ने जब हमें प्यार किया, जब उसने सारी सृष्टि की रचना की है, तब उनके पास भी कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। मनुष्य ही जब अपने निमित्त को, अपने इंस्ट्रूमेंट को पूरा कर लेता है, तभी भाषा का अवलंबन हो करके हम लोग प्रभु की कुछ स्तुति कर सकते हैं। आज के लिए कोई विशेष विषय या सब्जेक्ट इन लोगों ने मुझसे बताया नहीं, क्योंकि 3 दिनों में पूरी बात कहने की है। आज उत्पत्ति पे मैं कुछ कहूँ। मेरा जो कुछ कहना है वो हाइपोथेटिकल है। हर एक साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि अपनी जो कुछ खोज है उस खोज के बारे में उसकी विचारणा जनसाधारण के सामने रखी जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि जो कुछ कहा गया है उसमें सत्य कितना है, फैक्ट कितना है, फैक्चुअल कितना है। जिस दिन वो चीज़ सिद्ध हो जाती है उसी दिन उसे लोग साइंस के कायदे या लॉस समझते हैं। उसी प्रकार मेरा सारा कहना ही आप लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन उसकी सिद्धता भी हो सकती है और दिखाई जा सकती है। इसके अलावा आदिकाल से अनेक दृष्टों ने जिसको देखा है, जिसे जाना है और किताबों में लिख रखा है, उससे भी उनकी पुष्टि हो सकती है। किंतु जो कुछ भी लिख दिया है उसकी पुष्टि सिर्फ पढ़ने से या किसी को मान लेने से नहीं होती है, किंतु उसका अनुभव स्वयं से ही होना चाहिए। आज सृष्टि की उत्पत्ति की बात मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। प्रथम का दिवस है और उसका सहज योग से क्या संबंध है वो भी बताना होगा। ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि वो आदि और अंत से परे नित्य है। जिसे हम चैतन्य समझते हैं, जिसे हम चैतन्य शक्ति समझते हैं, उससे ब्रह्म का स्वरूप अलग। चैतन्य शक्ति उसी ब्रह्म का एक अंग है। ब्रह्म माने जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे एक बीज ही सब कुछ पेड़ होता है, जैसे एक ही बीज में से पूरा पेड़ की पेड़ और अनेक अनंत पेड़ निकलते रहते हैं और फिर से वही पेड़ जाकर बीज में खत्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अनेक प्रकार विकारों में प्रादुर्भावित होता है, मैनिफेस्टेशन होता है और अंत में फिर वही बीज बन जाता है और फिर बीज से अनेकानेक अनंत विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक पेड़ का बीज होता है, ऐसे ही ब्रह्म का भी बीज समझ लीजिए, जिसे हम ब्रह्म बीज कहें। हर एक बीज की अपनी सृजन शक्ति होती है, हर एक बीज सृजनात्मक होता है। इसी प्रकार ब्रह्म की जो सृजन शक्ति है वही ब्रह्म और उनकी ब्रह्म शक्ति के नाम से जाना जाता है। परमात्मा को ये सारी सृष्टि रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी जब वो संपूर्ण, मनुष्य कितना भी संपूर्ण हो जाए जब तक उसका एक बच्चा नहीं हो जाता उसे आनंद नहीं आता, उसको ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कमाया ये किसके लिए।
इसीलिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धनी होते हैं, अगर उनके पास एक बच्चा नहीं होता तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह से उन्हें एक बच्चा हो, कम से कम एक बच्चा हो जाए, कि ये जो कुछ उनके पास है संचित वो किसी को दे सकें, किसी को रिवील कर सकें। इसी प्रकार परमात्मा को जब प्रेम हुआ, उनके हृदय में जब प्रेम स्पंदित हुआ, उसी वक्त उनके अंदर से बहने वाली उनकी शक्तियाँ संचित होकर के आद्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति स्थापित हो गई। अब बीच में बचा हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा। इसके लिए साइंस वाले मुझसे बार बार ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आप ईश्वर को न माने लेकिन अपने हृदय को अगर मानते हैं, इस हृदय में जो स्पंदित है वो क्या, इस हृदय में जो स्पंदित है वही ईश्वर, जो परमात्मा है वही आत्मा स्वरूप हमारे अंदर हृदय में स्पंदित है और हर समय हमारा साक्षी, हमारे हर एक कार्य का वो साक्षी है और हर एक चीज वो देखता है। वही आत्मा है, उसी को लोग स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को लोग सोल, जीवात्मा, जब वो जीव धारणा करता है तो उसे जीवात्मा आदि शब्दों से जानते हैं। ये जो अपने हृदय में बसा हुआ एक साक्षी स्वरूप परमात्मा है, उसकी शक्ति जो शुरुआत में आद्या शक्ति सारे सृष्टि की रचना करने के लिए सुसज्ज होती है, उस वक्त उसमें तीन तरह से परिवर्तन आते हैं या वो अपने को परिवर्तित करती है। पहले तो उसे ये इच्छा होती है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। इस इच्छा के कारण ही वो अपने अंदर तमोगुण धारणा करती है। इसके बारे में भी पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि वो किस दिशा में चलती हैं और किस तरह से होता है। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पहले जो इच्छा की जाती है, इच्छा करना आवश्यक, उसी से तमोगुण का वलय तैयार होता है। सारा वलय बिंदु मात्र जो आद्या शक्ति है उसके गति से, मूवमेंट से होता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक बिंदु जब घूमकर अपनी ही जगह आना चाहता है तो उसका वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन आजकल कहते हैं कि हर एक चीज की मूवमेंट पैराबोलिक होती है। अपने यहाँ शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि शिव शक्ति जो होती है उसका भी वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन अब कह रहे हैं कि जो चीज भी घूमती है वो पैराबोलिक घूमती है, उसी हिसाब से ये भी कहना चाहिए कि जो प्यार है वो भी पैराबोलिक घूमता है और द्वेष भी पैराबोलिक घूमता है, माने जहाँ से जाता है वहीं लौट करके वापस घूम कर आ जाता है। इसी गति को पैराबोलिक कहते हैं। इसी प्रकार के पहले वलय के आकार को हम कह सकते हैं कि जिसने तमोगुण की रचना संसार में की, जैसे एक पंखे में तीन पत्रे जोड़े जाते हैं, उसी तरह से अगर आप कल्पना कर सकें तो पहले एक पैराबोलिक गति का चलना हुआ, दूसरे
जब कोई चीज की इच्छा की जाए तो उसके लिए कुछ कार्यान्वित होना पड़ता, कुछ कार्य करना पड़ता, बगैर कार्य के नहीं हो सकता। तो एक्टिवेटिंग फोर्सेस आए जिससे रजोगुण की स्थापना। उन्होंने दूसरी जो मूवमेंट की, दूसरा जो पैराबोलिक मूवमेंट किया, उसके कारण रजोगुण की स्थापना। और जो एक्टिविटी हुई, जो कार्यान्वित हुई, तो इच्छा ये हुई कि अब अपना प्यार उंडेल दें उस क्रिएशन, अपना प्यार उस सृजन किए हुए अपने बच्चे पर उंडेल दें। यही रेवलेशन है और यही सत्व गुणों की रचना करते हैं। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज तीन बार घूम करके तीन गुणों को किस तरह से बनाती है, और उसके ही अनेक विध परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, मिलने जोड़ने घटाने से ही बनने वाली ये सारी सृष्टि, और उसमें ही फिर एक पृथ्वी की रचना होती। पृथ्वी की रचना भी पैराबोलिक ही मूवमेंट से होती। अभी आप अगर साइंस में पढ़ें तो एक्सप्लोजन की थियोरी बड़ी ज़बरदस्त लोगों के दिमाग में बैठी है, पर 10 साल पहले मैं भी यही कहती थी कि एक्सप्लोजन हुआ है। बगैर एक्सप्लोजन के हमारी जो उत्क्रांति आज हुई है ये हो नहीं सकती। इवोल्यूशन के जिस हालत में हम पहुंचे हैं, ये बार बार एक्सप्लोजन हो करके ही हम इस दशा पर आए। लेकिन आज वही बात लोग कहने लग गए हैं कि कोई ना कोई ऐसा एक संघ मास इकट्ठा हुआ था जो एकदम से टूट पड़ा और उसके अंदर से सारी ही सूर्यमंडल आदि अनेक मंडल बने। आज साइंस वाले इसी बात को कह रहे हैं। उसी प्रकार जब पृथ्वी बनने के बाद भी दूसरा एक एक्सप्लोजन शुरू हुआ जहाँ जीवन तथा मनुष्य आए। पहले तो आप जानते हैं सबसे पहले छोटे छोटे एक एक सेल के प्राणी जीवधारी हुए, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मनुष्य की दशा में हम लोग आए। उस क्रांति के बारे में विशदपूर्वक बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप सोचें, अगर आप विचार करें, नुदुआ नाम का एक बड़ा भारी बायोलॉजिस्ट है, उसने लिखा हुआ है कि मनुष्य जब जड़ से बना है तो आश्चर्य होता है कि इतने थोड़े समय में मनुष्य कैसा बनता है। इसमें कोई चांस नहीं था, यूं ही नहीं बन गया था, लेकिन कोई न कोई इसके पीछे में हाथ, कोई न कोई कार्य इसे कर रहा था, कोई न कोई इस सृजन को गति दे रहा था, संभाल रहा था और उसका नेतृत्व कर रहा था। आखिर ये शक्ति ऐसी न होती तो अभी तक मनुष्य तो छोड़ो पर कुछ अमीबाबी संसार में नहीं आ सकते थे, जिसे कि लॉ ऑफ चांस साइंस में माना गया। ये बायोलॉजिस्ट परमात्मा की बात तो करते नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई व्यक्ति तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो शक्ति है ये ज़रूर ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जिसने ये सृष्टि की रचना की थी। इतना भी उनका कहना बहुत। अब जब मनुष्य खड़ा हो गया और सृष्टि की ओर उसने नजर की तो वो अपने को भी जानवर से अलग पाता। हम लोग ये सोच नहीं पाते कि हम जानवर से कितने अलग हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम में और उनमें महदंतर है। और जब हम ये भी सोचते हैं कि हम उन्हीं से इवॉल्व हुए तो आश्चर्य होता है कि हम इनसे इवॉल्व कैसे हो सकते। कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर आप ये सोचें कि हम लोग वायुयान से कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते। एक 25-30 साल पहले तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम चंद्रमा की ओर जाएं। कोई ऐसी बात सोचता तो लोग हंसते कि क्या बेवकूफ़ी की बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव की बात समझी जाती थी। आज मनुष्य
जो चंद्रमा पर भी पहुंच गया है वो भी एक्सप्लोजन की ही थ्योरी पर पहुंच गया। आपने देखा होगा कि जो स्पेस क्राफ्ट आकाश में छोड़े जाते हैं उनमें चार तरह के एक्सप्लोजन्स लगाए जाते हैं। पहले एक्सप्लोजन से वो कुछ हद तक चले जाते हैं, समझ लीजिए उनकी गतिगत 10,000 मील होती हो, तो दूसरे एक्सप्लोजन से उसके 10 गुना उसकी गति कर देते हैं, तीसरे एक्सप्लोजन से उसकी 10 गुना गति हो जाती है और चौथे एक्सप्लोजन से फिर 10 गुना हो जाती है। अगर एक्सप्लोजन बीच में ना हो तो एक ही गति से वो कभी भी चंद्रमा पे नहीं पहुंच सकते। वही चीज मनुष्य के उत्क्रांति के मामले में हुआ है कि वो एक गति से दूसरी गति में आने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा भारी एक्सप्लोजन हुआ और उसी के कारण आज मनुष्य इतने से थोड़े से समय में ही, बहुत ही थोड़े समय में, आश्चर्यजनक थोड़े से समय में ही आ करके और इस स्थिति में पहुंच गया है जहां वो बहुत कुछ समझ सकता है और बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन अब भी उसे बहुत जानने का, बहुत कुछ उसे जानने का। हमारे हृदय में, मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है ये कौन सी शक्ति के मारे हो रहा है, ये अगर किसी, अगर आप डॉक्टर से पूछें, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर से पूछें, तो आप तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही देंगे, इसकी एक संस्था है जिसको हम स्वयं चालित संस्था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, इससे अलावा आगे नहीं जा, मनुष्य इससे आगे नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इतना ही कहता है इसका ये नाम। अगर हम कल कहें कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था कैसे हो रही है तो हम सिर्फ नाम दे दें कि इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था है और वो ये कार्य कर रही है, तो ये कोई बड़ा साइंटिफिक जवाब तो नहीं है, क्योंकि वो संस्था क्या है, वो कैसे कार्यान्वित है, वो कैसे चल रही है, इसके बारे में तो कुछ जाना ही नहीं। फिर आपने सिर्फ नाम देने से सबका तो मुंह ही बंद कर दिया। सिर्फ नाम देने के लिए ही तो सारे साइंस की उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु ये बताने के लिए कि ये शक्ति, ये सृष्टि, ये सृजन, ये सब क्यों, कहाँ, कैसे हुआ। लेकिन साइंस वहां तक शायद कभी पहुंच पाए या न पहुंच पाए, आप लोग पहुंच सकते हैं। साइंस की दृष्टि अत्यंत एनालिटिकल है, विकेंद्रीकरण है, यानी आप जानते हैं कि एक हाथ के लिए एक डॉक्टर होता है, दूसरे हाथ के लिए दूसरा डॉक्टर होता है। संपूर्ण समग्र ज्ञान साइंस से आना बहुत है। जैसे कि एक पेड़ में बहुत से फूल खिले हुए हैं और हर एक एक फूल को देख रहा हूँ और उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा हूँ, और कोई कह रहा है कि इसका रंग पीला होता है, कोई कह रहा है नीला होता है, लेकिन कोई अगर उस चैतन्य में या उस रस में जिससे कि सारी ही सृष्टि उस पेड़ की हुई है उतर सके, तो वो बता सकता है। जबकि वो स्रोत पे पहुंच जाए, सोर्स पे पहुंच जाए, तो वो बता सकता है इसकी सृष्टि कैसी, ये अलग अलग फूल क्यों हैं, इनके अलग अलग रंग क्यों हैं, ये पत्तियां अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि आपने उसका जड़ पकड़ा। हालांकि लोग बहुत से बंबई में हमसे जब भी हम बात करते तो कहते हैं यार लोगों को खाने पीने को नहीं, चीनी नहीं मिल रही है, माता जी आप ये क्या सब भगवान भगवान की बातें करते, ऐसा भी लोगों को कहना सही है, लोग कहते हैं कि आपको इस वक्त ये क्या पड़ा हुआ। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है अगर सोचा जाए, एक पल आप सोच लें, अपने देश में खाने पीने को नहीं, अमेरिका में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घर में, पागल हो रहे हैं लोग, कहाँ नहीं है ह्यूमन क्राइसिस, सारे संसार में आप किसी से भी बातें करें तो ऐसा लगेगा कि उससे पहाड़ टूटा जाए, चाहे उनके पास खाने पीने को हो, चाहे उनके पास बाल बच्चे हो, चाहे ना, संसार में कहीं भी कोई ऐसी सुखी चीज तो नहीं दिखाई देता। अगर यही बात है कि सिर्फ खाने पीने ही से आप सुखी होने वाले हैं, तो जो लोग अत्यंत सुखी इस मामले में हैं वो भी मुझे कभी सुखी नहीं दिखाई,
क्या कारण है कि वो भी, क्या वजह है कि वो भी मानो टूटे से चले जा रहे, खत्म हुए से चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो पेड़ अत्यंत बाहर बढ़ जाए और विशाल हो जाए बाहर, और अपने स्रोत पे जाकर न बैठे, अपने स्रोत को न पकड़े, अपने सोर्स को न पकड़े, वो पेड़ जरूरी है कि टूट जाए। जहाँ से हमें सारी शक्तियाँ मिल रही हैं, जहाँ से हम शक्ति पा करके और शक्तिशाली हो सकते हैं, उसी की अगर हम खोजने लगा तो जरूरी है कि हम टूट। एक एक व्यक्ति टूटेगा, एक एक देश टूटेगा, एक एक संसार का कण कण टूट जाएगा, क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग, जो बांधने वाली, जो सृजन करने वाली, जो शक्ति देने वाली, एनर्जी गिविंग वाइटैलिटी, जो स्वयं चैतन्य है, उसका जब तक हम लोग पता नहीं लगाएंगे, तब तक हम चैतन्य रहित हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, सारे संसार का संहार हो जाएगा। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है कि उस चीज का हम पता लगे, उस शक्ति का हम पता चला जो हमारे हृदय में धक 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 चल रही और हमारे ऊपर में आवाज है। इस चीज का चैलेंज है कि जानो ये क्या है। मैं रात दिन धक 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 तुम्हारे हृदय में चल रही हूँ, तुम्हारा वचन चला रही हूँ, तुम्हारा आश्वासन चला रही हूँ। तो इसे जान लीजिए कि ये चीज क्या है। अगर इसे जाना नहीं तो सारा की सारा टूट जाए, सारी परमात्मा की सृष्टि रचना सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और इसकी दारोमदार, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मानव की। मानव ही ऐसा है जो कि आज सृष्टि की स्टेज पर खड़ा हुआ, आज मानव में ही वो शक्ति खेल रही है जिसे वो जान सकता है। क्या कुत्ते बिल्ली से समझेंगे? मैं क्या कुत्ते बिल्लियों से जा करके कहूँ या जंगलों में पेड़ों से जा करके कहूँ कि भाई तुम अपनी शक्ति जानो? मुझे तो आप ही लोगों को बताना है बार बार कि जिस शक्ति के सहारे आज आप चल रहे हैं उसे जरूर जान लीजिए, और उसका परिणाम, न जानने का परिणाम आप देखिए। कहीं भी मनुष्य को शांति, जंगल में चला जाए, घर से भाग जाए, दुनिया छोड़ दे, लेकिन उसे शांति नहीं है, उसे आनंद नहीं है, उसकी शक्ति नहीं हो रही, घबरा रहा है, वजह क्या? साधारण तरह से समझाया जाए तो ऐसे समझा सकते हैं कि आपके अंदर जो पेट्रोल भरा गया है, जिस शक्ति का पेट्रोल भरा गया है, वही आप खत्म करेंगे अपनी कार्य शक्ति से। करना ही चाहिए, कार्य करने ही के लिए शक्ति है, पेट्रोल खर्च करना ही चाहिए। पेट्रोल अगर भरा गया है उसको खर्च नहीं करिएगा तो आप भी व्यर्थ है जरूर, लेकिन फिर से पेट्रोल भरने की व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तभी उसके पेट्रोल का जो सर का जो बुच होता है वो बंद कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है और वो तोड़ दिया जाता है उस शक्ति से जो उसके अंदर भरती है। इसी को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने हजारों चीजें पढ़ी होंगी, सुना होगा, लेकिन मेरी स्वयं की ये धारणा है कि बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में जाना। जो कुछ लिखा है पढ़ लिख करके, इधर उधर देख देख करके जिन्होंने लिखा है, तो कोई लिखना नहीं। आप लोग अगर कभी हमारे ध्यान वगैरह में आए तो हम आपको दिखा सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके अंदर होता है, आपकी पीठ के रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में त्रिकोणाकार है कुंडलिनी का स्पंदन, आप उसे देख सकते हैं। कोई हवाई बातचीत मैंने कर, उसका स्पंदन, उसका उठना और चढ़ना आप अपने हाथ से देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से डॉक्टर्स पार हो गए हैं, साइकोलॉजिस्ट पार हो गए हैं, जिनको हम कहते पार हो गए, मैं जिन्होंने इस शक्ति का इस अंदाज दिया, ये लोग इस बात को मान, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है, मेरी बात कौन सुनता है? पता नहीं 10 साल बाद, शायद 10 साल बाद अगर अमेरिका से बात आएगी तो हम लोग सुनेंगे।
क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ऐसा कोई कर सकता है और एक ही साधारण गृहिणी ऐसा कार्य कैसे कर सकती है। वास्तविक बचपन से ही मैं कुंडलिनी देखती थी और इसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मनुष्य का क्या कुछ, मनुष्य ऐसा क्यों है, मनुष्य नाटक देखते देखते ऐसा क्यों सोचता है कि वही शिवाजी महाराज, वो नाटक खेल रहा है ये क्यों भूला हुआ। छोटे बच्चे हैं, कोई खेल रखते तो खेलते हैं, उसके बाद सब फेंकते, कोई भी उस खेल से चिपकते, और हम लोग हैं किसी खेल को ऐसा समझते हैं कि वो हमारा ही खेल है। छोटे बच्चे भी मकान बनाते छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ और इकट्ठा लेते उसको छोड़ देते हैं। मेरे ध्यान में बच्चे आते हैं, मुझसे पूछते हैं माता जी आप डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रहे हैं, वो सोचते हैं सारा संसार खेल है, फिर बड़े होने पर हम क्यों इसे सोचते हैं कि ये खेल है। इतनी सीरियस होने की कौन सी बात, बड़ी अजीब सी बात है। बहुत दिनों से मैं मजाक बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, अपने सर पे उन्होंने बोझा उठा लिया, तो किसी के समझ नहीं आया, उन्होंने कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो ट्रेन का बोझा जो है वो हल्का कर रहा हूँ, बड़ा सीरियसली कहा उन्होंने। ऐसे ही हम लोग करें, वास्तविक हमारा कार्य कुछ भी नहीं, हमें कुछ करने का नहीं है। जैसे ये माइक है इसे कुछ नहीं करने का है, सिर्फ मेरी जो वाणी है आप तक पहुँचाना। लेकिन अगर ये माइक समझे कि साहब मुझे को बोलने का है तो मुझे तकलीफ होने लग जाती, और अगर ये बोलने लग जाए तो मेरा बोलना खत्म हो जाता। हम कुछ करते नहीं हैं, जैसे ये उंगलियाँ अगर कभी सोचने लगे इसमें से एक उंगली कि मैं अलग हूँ, मुझे कुछ कार्य विशेष करने का, ये उंगली इस शरीर से ही संबंधित है और उसी शक्ति पर चल रही है जिससे ये शरीर भी चला, ये उसी का पार्ट एंड पार्सल, उसी का एक अंग मात्र। अब ये कहना कि ये जो उंगली है ये अलग से ही कुछ हो गई है, हो सकता है ये उंगली बधिर हो गई, ऐसा सोच रही है, हो सकता है कि हम भी किसी कारण बधिर हो गए हैं या हट गए हैं उस शक्ति से थोड़ी देर के लिए। ये जितनी भी यहाँ बिजलियाँ जल रही हैं आप जानते हैं, इसमें एक ही शक्ति चल रही है, पर हो सकता है कि इसमें से एक बल्ब निकाल करके उसे एक अलग से एक बैटरी में लगा दिया जाए, जो बैटरी खुद ही इस बिजली से चार्ज। हो सकता है कि आप सब अपनी अपनी शक्ति लेकर किसी कारण अलग हो गए, और है ही मनुष्य के अंदर दो शक्तियाँ ऐसी चलती हैं, एक से तो वो भरता है और एक से इस्तेमाल करता है, जिसके कारण स्वरूप उसके अंदर में अहंकार और प्रतिहंकार, ईगो और सुपर ईगो नाम की दो संस्थाएं तैयार होकर के उसे पूरी तरह से ढक देती हैं, और उस कारण वह उस सब ओर फैली हुई ऑल परवेडिंग शक्ति से वंचित। सिर्फ मुझे आपका यही खोल देने का है, जैसे ही यह खुल जाता है आप उस शक्ति को जानने लगते हैं और एकदम आपके अंदर शांति, इतना ही नहीं कि आपके अंदर शांति आ जाती पर समग्रता आ जाती, इंटीग्रेशन, आप पूरी तरह से रिलैक्स। ये बहुत आवश्यक है, और जो भी आवश्यक होता है वो होता ही, होना ही पड़ता। जैसे कि जब कोई चीज़ गिरती है तो हम हाथ उसको लगा ही देते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने यह गिरते हुए संसार को बचाने के लिए सहज योग का आपके सामने में आविष्कार दिया है। सहज योग मेरा आविष्कार नहीं है, आविष्कार कोई सा भी हमारा होता ही है। जैसे अगर हम ग्रेविटी का पता लगाएं तो वो कोई हमारा आविष्कार नहीं है, ग्रेविटी तो वहाँ थी ही, उसका सिर्फ पता लगा लिया। जो आपके अंदर चीज है, जो आपका जन्म सिद्ध हक है, उसे मैंने पता लगा लिया है कि आप उस चीज़ को पा सकते, और बस इसी पता लगाने के लिए मैंने बहुत इसमें समय बिताया और इसका पता लग, इसका पता आपको घर घर पहुंचाना होगा। इससे आप देखिए आपके सारे ही प्रश्न सुनते हैं, विशेषकर आज का जो हमारा युवक वर्ग है उसके और देख करके आप लोगों का जी घबराता, इनको क्या हो गया, उद्ध्वस्त हो गया, जैसे कि इनकी कोई पकड़ ही नहीं रह गई, इन पर कुछ तो होना चाहिए। सहज योग के सिवा
कोई इलाज नहीं उनको ठिकाने में। बच्चों पे तो सहज योग इतने जल्दी बनता है, इतने जल्दी बच्चे इसे पाते हैं। मैंने जब भी स्कूलों में ये व्यवस्था करी और जब जब मैं गई हूँ, मैंने देखा कि 100 बच्चों में से 80 बच्चे हो, वही स्कूल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, उनको ज़रा समय लगता है, उनमें यही संख्या 60-70 आ जाती। पर कॉलेज के बच्चे हिंदुस्तान के पता नहीं किस योनि से बने हुए हैं, कि बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने मुझे इनवाइट किया तो उनके वाइस चांसलर आकर कहले, माता जी आप मेहरबानी करिए, हम लोग की नाक कट जाए, ये बच्चे बिल्कुल बंदर जैसे, आपको नोट्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल मेरे ऊपर तो छोड़ो, नहीं कहला हम नहीं करने देंगे, तो ऐसा मारा है इन्होंने, ऐसा सीखा है, तेजी संभल करें। हिप्पीज़म तो अमेरिका में आया, लेकिन यहाँ जो आने वाला है उससे आप बच कर उसकी ओर से अपनी दृष्टि हटा देने से कोई सा भी प्रश्न हल नहीं। अगर आप वास्तविक अपने देश की उन्नति और देशों की भी भलाई के विचार से कभी भी सोचते हो, तो ये सोच लीजिए कि सारे दारोमदार इन युवकों का, इनको सहज योग से ही ठीक करना पड़ेगा। सहज योग माने परमात्मा का प्रेम, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो स्वयं ले लाए, जो स्वयं उस प्रेम से प्लावित हो और जिसके अंदर से ये शक्ति बह रही है, वही ये कार्य कर सकते हैं। जितने लोग सहज योग में पाएंगे वही लोग अंत में सारे स्थिति पर निर्भर हैं। पर ऐसे हैं कि बड़ी कठिनाई से, आपको आश्चर्य होगा, 5 साल बहुत मेहनत करने के बाद बम्बई में असल में जिसको कहना चाहिए रियलाइज 1000 आदमी है, बड़ी मुश्किल, वो भी साइज वो इतना नहीं, और उसमें से कोई 11 आदमी ऐसे हैं कि जो दूसरों को पार करते। अमेरिका में बहुत जल्दी लोग पार हो जाते हैं, लेकिन साइज वो कठिन है उनका, रोज़ ही वो लोग गुरु बदलते हैं, रोज़ ही वो कुएं खोदते हैं, सोचते नहीं समझते नहीं, इसकी गहराई को मापते हैं। ये कितना अत्यावश्यक है उसे हम जानते हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है उसे हम समझते हैं। जिस वक्त हम इसे समझ लें वो क्षण हमारे देश के लिए क्या, सारे विश्व के लिए भी बड़ा ही भाग्यशाली है। हमारा चिल्लाना तो बना ही रहेगा, हमारा कहना तो बना ही रहेगा, एक माँ है पुकार पुकार के अपने बच्चों से कितना समझा, लेकिन भूख भी तो लगनी चाहिए। अगर बच्चों को भूख ही नहीं है तो उनके सामने क्या, दौड़ दौड़ के पैर पड़ पड़ के कहाँ जाए। जो लोग पार हो जाते हैं, जो इस शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं आती, और आने पर भी वो उसे ठीक कर सकते, क्योंकि ये ज्ञान भी न दिया जा सकता इस बीमारी को इस शक्ति से कैसे किया। आपके हाथ में से धीरे धीरे बहने वाली ये जो लहरियां हैं, जैसे कि चैतन्य लहरी आदि, बहुत पहले से कहा गया, आदि शंकराचार्य ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उनको आजकल पढ़ता कौन। इस लहरियों से ही आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, अपना तो भला हो ही गया, ऐसे लोगों को निरोगी बनाता है, ऐसे लोग दूसरों को निरोगी बनाते हैं और दीर्घायु। इतना ही नहीं कि आयु ज़्यादा होती, लेकिन आनंद में रहते हैं। इतना ही नहीं कि आनंद में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको कि हमें कहना चाहिए समचेतना, इसका कोई आज तक कोई आविष्कार ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि समचेतना सीखते। कहने वाले जैसे यूंग ने बहुत बार समचेतना पर कहा है, लेकिन कोई साफ साफ बात नहीं। आप अगर ध्यान में आकर इसे पालें, मेडिटेशन में आकर इसे पालें, तो आप समझ जाइएगा कि समचेतना हम क्या कहते हैं। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि आपके अंदर जो चेतना है उसे हम जान रहे हैं, आपके अंदर की कुंडलिनी को हम समझ रहे हैं, और जब हम आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे अपने प्यार से उठा रहे हैं, तब उसकी रुकावटें भी हम समझ रहे हैं और उसको भी हम हटा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे आप निक्सन की कुंडलिनी देखें, आश्चर्य की बात, लेकिन देख सकते, देखते ही साथ आप समझ सकते हैं किस परेशानी में वो बैठे हैं, उनको क्या तकलीफ है, कहाँ रुकावट है, चैतन्य कहाँ रुकावट। ये कोई बायस चीज़ नहीं होती, कोई एक विचार से नहीं कि किसी को आप नफरत करते हैं, किसी से आपको दुश्मन नहीं, ये नहीं, कि सोचते हैं आप सोचते हैं कि उसको किस तरह से दे दें, देते ही साथ वो जो जिसे आप दे रहे हैं उसका भला ही है, उसका हित ही होगा, अहित नहीं होगा। इससे बढ़ के और कोई जनसेवा और समाज सेवा भी नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य करते वक्त ये नहीं सोचता है कि इस हाथ से
इस हाथ का हमें कुछ भला करे। ये तो दोनों हाथ जब एक ही हो गए और इसमें जब दर्द हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप इससे ठीक हो गए। सहजयोग यानी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके लिए आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस पर मैं कल बताने वाली हूँ। लेकिन आज मैंने यही भूमिका बांधी है कि सहज योग के सिवा संसार का तारण नहीं, सेल्वेशन नहीं, बाकी जितने भी योग हैं उनसे और चाहे जो भी होता होगा लेकिन सेल्वेशन ही होता, तारण नहीं हो सकता। अगर संसार का तारण करना है तो सहज योग का ही अवलंबन करना चाहिए, जो परमात्मा का अपना ही मार्ग, वही यह कार्य कर रहे हैं। सिर्फ आपको जानना मात्र दुख सिर्फ इतना है कि सहज योग में आपकी स्वतंत्रता पर ही सकते हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से सोच विचार से अंदर की आस्था से अंदर की प्यास से नहीं जाएंगे ये काम नहीं करेंगे। अमेरिका में एक साहब बहुत बड़े आदमी थे, वो मेरे साथ चार दिन आके रहे, कहने मुझे पार करो। वो पार नहीं हुए, वो बहुत परेशान कि साधारण गृहणियाँ वो पार हो रहे हैं, हम पार नहीं हो रहे, क्या बात है, हम क्यों नहीं पार हो रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं पार हो रहे इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण आप। मैं तो प्रयत्नशील हूँ कि इसको पार करूँ, उनको पार करूँ, लेकिन इसका कारण मैं नहीं हूँ कि आप पार नहीं हो। वो पूछने लगे कि फिर कारण क्या। मैंने कहा कारण ये है कि अंदर से वो प्यार जगा नहीं, वो आर्तता जगी नहीं जो अपने प्रति भी होनी चाहिए। जिस दिन वो प्यार जग जाएगा तो स्वयं ही पार हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे नहा करके वो बैठ और पट से पार हो, ये हो जाता है। इसमें मैं बहुत ही अद्भुत, लेकिन है ही नहीं अद्भुत, लेकिन बहुत कुछ अद्भुत संसार में होता है। उसी तरह से ये भी कुछ गर्भवती होना है तो उसे स्वीकार कर उसको अपनाना, उसके बारे में शंका कुशंका करने से उनकी कार्य। आज उत्पत्ति से लेके मनुष्य तक पहुंचा दिया है आप लोगों को, और मनुष्य से मनुष्य को आगे कहाँ जाना है उस और भी इशारा, लेकिन हमारे इशारे करने से भी और कहने से भी कार्य नहीं हुआ। आपके अंदर ये मांग है या नहीं, आप इसे चाहते हैं या नहीं, आप अपनी शांति को पूरे हृदय से चाहते हैं या अभी भी कहीं जड़ता में ही खोते, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। कल सहयोग माने क्या, सहयोग से कैसे प्राप्ति होती है, आदि विषयों पर मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक कहूँ। आज सबका विचार ये भी था कि ध्यान करे बगैर तो कुछ माता जी के भाषण में अर्थ नहीं, और सच बात ध्यान तो होना ही है। जिन लोगों को ध्यान में जाना हो और इसे प्राप्त करना हो वो लोग रुक जाएं, थोड़ी देर में ध्यान भी होगा और ध्यान के बाद हम देखेंगे कि कितने लोग कुछ पा सकते हैं। कल सवेरे इन लोगों ने ध्यान का 9:30 बजे प्रोग्राम रखा, वो भी आप लोग अटेंड करें। जो लोग आज पार हो जाएंगे वो भी और नहीं होंगे वो भी, क्योंकि परमात्मा के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। हम तो परमात्मा के लिए समय नहीं जोड़ पाते, हमारे पास सारे संसार के लिए, सिनेमा में जाएंगे 3 घंटे बैठे लेकिन परमात्मा के लिए हम कितने घंटे बैठे। हाँ वही टाइम देते हैं जिसमें कि हम कुछ कर रहे हैं, माने या तो पूजा करें या उसको याद करें, इससे कोई फायदा नहीं। पहले आपका कनेक्शन तो लगने दीजिए, आपका कनेक्शन ही लगा नहीं है, बगैर कनेक्शन लगाए हुए आप किसे याद करें और किसी के बुला रहे। आप लोगों में से जो भी ध्यान में जाना चाहें वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, लेकिन जिनको नहीं जाना हो वो अभी पहले चले जाएं। दूसरों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए ध्यान के वक्त, क्योंकि जो दूसरे बैठे हैं वो आर्थ हैं, वो परमात्मा के खोजने वाले हैं, उनकी इज्जत करें। और बाद में ध्यान में उठ के जाना नहीं होगा, करीबन ध्यान को भी 20-25 मिनट लग जाएंगे, ध्यान में हम देखेंगे। और जिनको जाना हो वो अभी चलेगा, ये रियलाइज लो, कहते जरा मांगे बस ले सर रास्ता फायदा हो, मरे बसू ना। जो लोग रियलाइज हो गए वो पीछे की ओर बैठे। टुडे दैट इज ऑन 8 December 1973 एट बिरला क्रीड़ा केंद्र, माताजी एड्रेस ऑन द सब्जेक्ट कुंडलिनी योर मदर इन द लाइट ऑफ सहयोग। कल आपके सामने मैंने सहज योग की भूमिका रखी, जिसे कि हम प्रीफेस कहते हैं। किसी भी विषय को सुनने से पहले
ये जान लेना चाहिए कि ये बात है क्या। आज सहज योग यानी क्या है वो मैं थोड़े से बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। और सहज योग में जो कुंडलिनी कार्य करती वो क्या है, और उसमें जो सिंबल यानी प्रतीक हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, ये सब बातें मैं आपसे बताने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ इस मामले में कहूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं आपसे कह रही हूँ उसकी प्रचिति, उसका अनुभव हमारे प्रोग्राम में आने वाले लोग, हमारे लेबोरेटरी में आने वाले लोगों को आया हुआ, इसको सब ने जाना हुआ है, जो लोग पार हो चुके हैं और इसमें कुछ बढ़ चुके हैं। रोज ही ऐसे लोगों की प्रगति बढ़ रही है, जैसे कि पहले एक ही मछली पानी से बाहर आई, उसके बाद उसने जाकर 10-12 मछलियों को बाहर ले आया, और उसके बाद एकदम से बहुत सारी मछलियाँ एकदम से पानी से बाहर आकर अपने नए खोज में लग गई। उसी प्रकार इस नए एक्सप्लोजन में, जिसको कि मैं कहती हूँ मनुष्य सुपरमैन अति मनुष्य होने के मार्ग पर है, कुछ लोग बाहर आकर के दूसरों लोगों को खींच रहे हैं। लेकिन इसकी कसौटी आपका अपना अनुभव, हमारे कुछ कहने से या करने से या कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करने से आपके लिए कोई लाभ नहीं है। हालांकि सबने कहा है कि इस पर हम बातचीत करें, और लोगों ने कहा हुआ है कि ये बात कहें, न जाने कितने लोगों के समझ में आए, और हो सकता है कि इससे बहुत से विद्वज्जन परेशान हो जाएं और ये सोचें कि माता जी कुछ हवाई प्रकृति उड़ा रहे हैं। किंतु मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगी कि जो भी मैंने बात कही है उसकी सिद्धता करने की भी क्षमता पाई है तभी मैं बात कर रही हूँ। ऐसे तो जीवन में बहुत सालों तक मैं ये बात बोलती ही नहीं थी कि मनुष्य को क्या खोजना है, यहाँ तक तो मैंने अपने को सीमित रखा था। कारण मैं ये जानती थी कि जो मानव अभी नीचे ही मंजिल पे खड़ा हुआ है उसको 10वें मंजिल की बात करना बहुत गलत है। कम से कम 5वें मंजिल पे ले जाने की कोई व्यवस्था हम ढूंढ लें, तभी उनसे 10वें मंजिल की बात करना चाहिए। वैसी व्यवस्था होने के ही स्वरूप आज सहयोग पर कुछ बात कही जा सकती है जो लोगों का दिमाग में भी चढ़ती। साइंस से अभिभूत लोग ज़रा मुश्किल से इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि साइंस की आँख वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन एक दृष्टा होकर हमें आपको बताना ही होगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, मंजिल कैसी है, क्या है, ये तो हमें बताना ही होगा। आखिर आप ही को तय करना है, आप ही को ये फासला, ये अंतर आप ही को पार करना है। कल मैंने बताया था आपसे कि अपने अंदर जो सर्वशक्तिमान शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, जो प्रभु की प्रेम शक्ति है, उसने पेट्रोल भर दिया तो अपने सर के बीचों बीच ताली से अपने अंदर शक्ति भर दी, और हम सब से उसके बाद अलग अलग हो गए, अपनी अपनी शक्ति के मालिक हो गए। उसके बाद हमारे अंदर ये भावना आई कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, वो अलग, पहले सब एक ही रहते हैं। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसे अहंकार और प्रतिअहंकार आ करके उसके सारे मस्तिष्क को घेर लेता है, उस वक्त वो उसी एकाकार शक्ति से अलग होकर अनेकाकार हो जाता है। ये जो बीच में से आने वाली शक्ति है इसी को मैं कुंडलिनी कहती हूँ, और उसके बारे में थोड़ा चित्र करके आपको दिखाऊंगी जिससे आसानी से समझ में आए।